हो गया, हीरो का ड्यूट हो गया, इसमें प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या, जैसे गाड़ी का एक्सेलेटर काम कर देता है ऑटोमेटिकली टूलिंग छोड़ देता है, मतलब बंद पड़ जाता है। जैसे गाड़ी चलता है 30-40 में पिकअप छोड़ के, जैसे ब्रेक मारते अचानक बंद हो जाता है। तो कस्टमर आया बोले सर्विस कर दो और बंद हो जाता है, ठीक है, प्लग खुले प्लग ठीक है। तो हम लोग ट्राइफिट भी खुले देखते हैं, फुल टाइट हो गया, ये ट्राइफिट को लूज करना पड़ेगा, ये टाइमिंग का प्रॉब्लम है इसलिए बंद हो जाता है। कि 90% सक्सेस होगा, तेल भी कम पेगा, बोलता है 25-26 का माइलेज था, एक लीटर में 25-26 किलोमीटर चलता है, बंद पड़ जाता है, तेल खत्म। तो जैसे ट्राइफिक हम मिला देंगे सर, लूज करना, सिर्फ टाइट है लूज करना पड़ेगा। साइलेंसर वाला सही है, कार्बेटर वाला टाइट हुआ, जैसे हम लूज कर देंगे माइलेज भी चल जाएगा, कम से कम 40 तो आ जाएगा, 40 आएगा, 40-42 ऐसा आएगा, 45 भी आ सकता है। क्या हम बोल देंगे करंट तो 50-60 देगा, स्कूटी 50-60 नहीं देता है। क्या मेरा पास है, एक साल से हम चलाते हैं, मेरा पास एक पहले जा रहे हैं, मुझे मालूम है। क्या मेरा सुपर भी है 45-52 अगर सही से चलाते तो 52-53 देता है, अगर रफ्तार में चलाते तो 45 देता है, 45। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंडियन ऑयल भी डालेंगे, सार्गो कंपनी का हो गया, ठीक है ना, 305 का एमआरपी हम लोग डाल के 300 लेंगे, जेन्युइन मोबाइल हो गया, इंजन ऑयल इसका निकल गया। एक काम करो, तुम इसका इंजन बोल कटा के मोबाइल डाल दो। तो फ्रेंड देखे यहाँ 1 ऊपर आ गया, 2 नीचे, टाइमिंग ऐसे हम मिलाते, ठीक है ना। यहाँ यहाँ 2 आ गया, देखिए यहाँ पे 2, हम कोशिश करते देखें, यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे 1, ये ऊपर ये नीचे एक दाग मिलता है, देखे ऐसा ऐसा ये सीधा हो गया, एकदम लफ सही है। तो फिर ए लूज है, देखे ए लूज है, ये साइलेंसर वाला लूज है, ये सही है, और ये हिलता ही नहीं है, इसको थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा। लूज कैसे, 9 नंबर रिंग है, जैसे लूज हो गया एक कूलर मिलेगा, ये कूलर यहाँ पे फंसाएंगे और ऐसे थोड़ा सा घुमाएंगे, देखे ऐसे थोड़ा सा घुमाएंगे, थोड़ा सा घुमाने से आ जाएगा। तो फ्रेंड देखे गाड़ी भी बहुत चल रहा है, हम लोग का इधर लॉकडाउन खुल गया पश्चिम बंगाल में, हम जिस एरिया में रहते हैं उत्तर दिनाजपुर, फुल खुल गया। हम तो 2 दिन हुआ खुलने का, जैसे हम 9 बजे आते 1 बजे बंद कर देते, का घर में थोड़ा काम भी है, अभी मकई का सीजन आ गया हम लोग का, कहे हम लोग का घर जो हो गया वो देहात में हो गया, गांव में खेती बाड़ी हम लोग को करना ही पड़ेगा, हम लोग का मेन धंधा जो हो गया वो खेती बाड़ी। देखिए फिर बहुत सारा लॉरी सब चल रहा है अभी, और हम लोग का इधर है ट्रैक्टर खटखटिया। तो फिर ये कम्प्लीट हो गया, देखिए ये अभी हिलता है, देखिए ऐसा हिलता है, ठीक है ना, ज्यादा हिलना नहीं चाहिए, ज्यादा टाइट भी नहीं, ना टाइट ना लूज, मीडियम हिलना चाहिए, हल्का सा थोड़ा सा, देखिए इधर भी हिलता है, ये भी हिल गया, इसका मतलब ये सक्सेस हो गया। अभी स्टीयरिंग जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया, क्या डालना है डालो। तो फिर आप इस इंजन ऑयल को हम लोग डालेंगे, धीरे धीरे डालना, डालो। तो इसका जो स्टीयरिंग प्रॉब्लम था वो 90% सक्सेस हो गया, डालो, ये हो गया सार्बो का सील, डालो। देखे इसका कलर, देखे जैसा केस्ट्रोल गो आता है, केस्ट्रोल का पावर वन आता है, सेम है कलर इसका, देखे जैसा हीरो का इंजन आता है सेम, यही हम लोग डालते हैं। 2-4 दोस्त मुझे वीडियो में यूट्यूब में कमेंट किया, स्कूटी में स्टीयरिंग प्रॉब्लम, हम को इसका जवाब में देते, मैकेनिक का पास जरूर जाए, मैकेनिक को दिखाए। और बहुत सारा कस्टमर ऐसा है, काम करने का बाद जेब में पैसा रहता है, देने का मूड नहीं है, पैसा नहीं है बाद में देंगे, ऐसा काम करने से फिर गाड़ी सही नहीं होगा, कभी नहीं सही होगा। जब कोई मैकेनिक मेहनत करता है उसको 10-20-30 रुपया देना ही पड़ेगा, तब जाके आपका गाड़ी सक्सेस हो जाएगा। बहुत सारा टेंशन है इस काम में, कभी कभी ऐसा होता है काम कर दिया 2 दिन बाद कंप्लेन आ जाता है, बहुत दिक्कत है इसमें। जैसा दूसरा काम करते रनिंग काम, उस समय तो दिक्कत होता है, फिर भी हम लोग को करना पड़ता है। मैकेनिक जितना भी मैकेनिक भाई बहुत टेंशन है। तो फिर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नया है तो
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आई घंटी मिलेगा उसको भी प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड वीडियो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं।